जा रहे हैं गौरी घाट और आज है छठ पूजा। छठ पूजा का आज अंतिम दिन है। सुबह सुबह सूर्य भगवान निकलेंगे, उनको अर्घ दिया जाएगा और इतने इतने पानी में कुछ कुछ लेडीज़ खड़ी होती हैं, कुछ कुछ इतने पानी में खड़ी होती हैं लेडीज़, और इतनी सुबह ठंडी में कैसे खड़ी रहती भाई पता नहीं। वो अपन तो नहाते भी नहीं है सुबह, ठीक है वो तो बात अलग है, खड़ी कैसे रहती हैं। तो चलते हैं आपको वही दिखाते हैं छठ पूजा कैसी मनाई जाती है और कितना। अभी भी मैंने यहाँ से जब जा रहे हैं मेरी कॉलोनी से ना, ढोल की आवाज़ आ रही, बम फूटने की आवाज़ आ रही, तो सीधा वहीं चलते हैं गौरी घाट में, क्या ही माहौल होगा तो आपको भी दिखाते हैं, हम भी देखते हैं। और सुबह सुबह तो ठंडी इतना ज़्यादा है ना भाई, पूरा प्रोटेक्शन के साथ जा रहा हूँ मैं वहाँ पर, ठंडी ना लगे मेरे। तो चलते हैं वहीं पे और देखते हैं क्या ही माहौल होने वाला है और क्या ही। मैंने इंस्टा पे देखा ना भाई, मजमा है, चलो चलते हैं वहीं पे। सो गाइस अपन पहुंच गए हैं गौरी घाट और गाड़ी पीछे पार्क कर दी, अब पैदल जाना पड़ रहा है, बहुत बहुत दूर है यार। सुबह भी हो गई, जब निकला था ना जब रात थी, तो जब आज पहुँच गया हूँ तो सुबह हो गई और सूरज भी शायद निकल ही गया। अब देखते पूजा हो गई है या नहीं हुई है, बाकी माहौल है भाई, पब्लिक है पीछे पीछे, अरे गायब हो गई थी पहले। गाने बज रहे हैं, चलते अब, ठंडी है। तो भाई अपन पहुंच गए गौरी घाट, पीछे देखो भीड़, पब्लिक इतनी सारी है ना, और अलग यहाँ बम फूट रहे हैं। पानी से धुआं निकल रहा है, इतना ठंडा पानी है और इतने ठंडे पानी में वुमेन लोग खड़ी रहती हैं। छुट्टी नहीं छठ के त्योहार, छुट्टी नहीं छठ के आता ना पूजा करने वाला भाई, आपको लगता फोटोज भी खींचूंगा, इंस्टा पे आएगा, इंस्टा का पेज फॉलो करो, नीचे आ रहा होगा, बाकी शॉर्ट एंजॉय करो यार।
छठी छठी मैया हमनी से वरत दो हार, हमनी से वरत दो हार, तहरे भरोसा हमनी के छुट। जानकारी प्राप्त हुई अभी, ये व्रत इसलिए रखा जाता है छठी माता के ऊपर, छठी छठ माता होती है ना, और सूर्य भगवान, सूर्य भगवान की इसलिए पूजा की जाती है क्योंकि छठी माता और सूर्य भगवान, छठी माता ने बोली थी कि हमारी पूजा करना सूर्य भगवान के साथ, ऐसा मेरे को जानकारी प्राप्त हुई। अगर गलत बोल रहा हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो लोग गन्ना लगाते हैं ना, गन्ना इसलिए लगाते क्योंकि जो ज़मीन से उगता है वो चीज़ लगती है उन लोग, और रस वाली भी चीज़ होती है गन्ना, वो ज़मीन से भी उगती है। और इन लोग आलू भी रखते हैं, जो जो ज़मीन से उगता है ना वो रखते हैं वहाँ पे, और जो रस वाली चीज़ होती है वो भी रखते, संतरा हो गया और भी कुछ कुछ हो गया वो भी रखते हैं। तो यही, और इन लोग 24 घंटे से ज़्यादा, मतलब 24 घंटे और 12 घंटे और, मतलब दो दिन का व्रत रखते हैं निर्जला। और अभी पूजा, सुबह पूजा करने के बाद इन लोगों को कुछ फरार करते हैं, पूजा करने के बाद कुछ नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, फिर इन लोग घर में जाएंगे और घर में कुछ बनेगा वो खाएंगे। मतलब बहुत ही कठिन उपास है, और इतना इतना पानी में रहती है यार, इतनी ठंडी में पता नहीं कैसे रह लेती अपन, तो बहुत बार बोल चुका हूँ यही चीज़, मतलब ठंडा लग रहा है, मैं तो तीन तीन पहन के आया हूँ, और पानी ठंडी में तो ठंडा रहता है यार। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो अपन ने लिए हैं, दिखाओ, साइबेरियन बर्ड से इसको डालते हैं, मगर आती नहीं यार, देखते बुला के आ रही है कि नहीं। डालो भाई तुषार, आई नहीं रही, सब खाली है, देख रही कहीं नहीं है, सब वहाँ गई है, वहाँ पे आ गए, लकी नहीं है। तो पकड़ो, आती है तो डालते हैं ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दो, 500 हो जाएंगे जल्दी से। और उसके बाद कुछ नया लाने वाले हैं, पूरा ख़त्म हो गया, सब कुछ पैकअप हो गया है, तो अपना भी पैकअप करते हैं और अपन घर चलते हैं। अगर बोल दिया यार, कर दो यार लाइक सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ नया करते हुए, बाय बाय।